हेलो स्टूडेंट्स इस स्टाइशोमेट्री में नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपके साथ मैं यहां पर हूं इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटलीस प्रॉब्लम इन जॉइंट एंट्रेंस एंट्रेंस एग्जाम एग्जाम एंड मेडिकल गिवन है इफ इज नंबर नंबर देन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन दैट इज एन माइनस देखिए जब भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो बेटर होगा हमेशा गुरु मंत्र वन आयन या वन मॉलिक्यूल में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखिए वन आयन और वन मॉलिक्यूल है ना तो यहां पे वन आयन जो नाइट्राइड आयन है टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर आप यहां पे लिखते तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सेवन है और माइनस थ्री चार्ज है तो प्लस थ्री इसका मतलब टोटल टेन इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने फाइव है माइनस थ्री चार्ज है तो फाइव प्लस थ्री तो ये एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए ये देखिए अब हम यहां पे जो मुझे गिवन है कि 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन इसका मतलब मास गिवन है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करता हूं और जैसा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है वैसे नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मूला है मोल आयंस मल्टीप्लाई बाय एवे नंबर तो मोल आयन इसका मतलब जो गिवन मास है फोर ग्राम डिवाइड बाय नाइट्रोजन एटम है तो इसका मतलब इसका ग्राम एटॉमिक मास 14 ग्राम पर मोल और मल्टीप्लाई बाय बाई नंबर ये देखिए तो नंबर ऑफ आयंस आपको पता चल गए इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन तो ये 0.3 पॉइंट थ्री एन ए होगा अब आप क्योंकि ऊपर लिखे हैं कि अगर वन आयन एन थ्री माइनस होता तो इसमें एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ओके तो इसका मतलब अगर यहां पे पॉइंट थ्री एन एंस एन थ्री माइनस के हैं तो ये हो जाएगा एट इंटू पॉइंट थ्री एन ए हमारा रिजल्ट आ गया टू पॉइंट फोर एन ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है तो यहां ए इज करेक्ट आंसर ओके अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते तो जो आपने पॉइंट थ्री एन यहाँ यहां लिखा है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते टेन से तो यहां पे थ्री एन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके क्लियर है सभी बच्चों को थैंक यू